हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, काफ़ी अच्छा वीडियो है, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे YPM ब्लॉग्स के बारे में और सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में। दोनों के ही बारे में हम आपको काफ़ी अच्छी बातें बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनके रियल नेम, निक नेम, होम टाउन और नेशनलिटी से। बात करें इनके रियल नेम के बारे में, आप सभी को नहीं पता YPM ब्लॉग्स का रियल नेम है यदु प्रियम। वही बात करें सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में, आप सभी को नहीं पता तो गाइस आप सभी को बता दूं इनका रियल नेम है सौरभ। बात करेंगे अब इनके निकनेम के बारे में। बात करें YPM के निकनेम के बारे में तो काफ़ी लोग इनको प्यार से YPM के नाम से जानते हैं और YPM इनका एक निकनेम है। बात करें सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में तो मैं आप सभी को बता दूं, सभी लोग इनको प्यार से सौरभ के नाम से ही बुलाते हैं, यह इनका निकनेम है। वही बात करें अब इनके होम टाउन के बारे में तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं YPM व्लॉग्स के बारे में तो YPM रहते हैं दिल्ली में। वही बात करें सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में तो आपको नहीं पता तो आप सभी को बता दूं इनका होम टाउन है देहरादून। तो गाइस अब हम बात करेंगे YPM और सौरभ जोशी व्लॉग्स की नेशनलिटी के बारे में। आपको नहीं पता तो मैं आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे YPM व्लॉग्स के बारे में, आप सभी को नहीं पता तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं इनकी नेशनलिटी है इंडियन। चलिए अब हम बात करेंगे सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में, इनकी नेशनलिटी के बारे में मैं आप सभी को बता दूं, यदि आपको नहीं पता तो सौरभ जोशी व्लॉग्स की नेशनलिटी है इंडियन। गाइस आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बारे में, फर्स्ट वीडियो के बारे में, एजुकेशन के बारे में और हॉबीज़ के बारे में। बात करेंगे पहले यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बारे में तो YPM व्लॉग्स के आज यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं गाइस। वही बात करेंगे अब सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में तो मैं आपको इनके व्लॉग वाले यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स बताऊँगा, यदि आपको नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता दूं हाल ही में ही इनके YouTube पर 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन दोनों के ही फर्स्ट वीडियो के बारे में, कब इन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। तो पहले बात करेंगे YPM व्लॉग्स के बारे में, आप सभी को नहीं पता तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं YPM व्लॉग्स ने अपना पहला YouTube पर वीडियो अपलोड किया था 10 सितंबर 2017 को। वही बात करेंगे अब सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में, आपको नहीं पता गाइस इन्होंने अपना पहला वीडियो कब अपलोड किया था YouTube चैनल पर, तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं इन्होंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था 20 फरवरी 2019 को। अब हम बात करेंगे इन दोनों की ही एजुकेशन के बारे में। पहले बात करेंगे YPM व्लॉग्स के बारे में, आप सभी को नहीं पता इनकी एजुकेशन के बारे में तो मैं आप सभी को बता दूं YPM ने अपनी 12th कंप्लीट कर ली है और ये अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। बात करेंगे अब सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में, इनके एजुकेशन के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा, यदि गाइस आपको नहीं पता है तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और ये शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे हैं। अब हम बात करेंगे हॉबीज़ के बारे में, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा YPM व्लॉग्स की एक हॉबी, तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ YPM को ट्रेवलिंग करना, जी हाँ दोस्तों इनको अच्छी अच्छी जगहों पर घूमना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और ये इनकी एक हॉबी ही बन चुकी है आज। अब हम बात करेंगे सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में, इनकी एक हॉबी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ सौरभ जोशी व्लॉग्स को व्लॉगिंग करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, इनको व्लॉग्स बनाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी जगहों पर जाना, इनकी फैमिली के साथ व्लॉग करना इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आज इनकी ये एक हॉबी ही बन चुकी है। तो गाइस मैं आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो आप और देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।